हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको कपड़े में बताऊंगी। तो ये कपड़ा जो है, ये मेरा ब्लाउज पीस है और ये इसका अस्तर है। 36 इंच का इसका सीना है और 28 इंच की इसकी कमर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कैसे हमें कटिंग करना है। यहाँ पे जो है कपड़े को सबसे पहले जो अस्तर है उसको कटिंग करूंगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये अस्तर को खोला है और ये देखिए कपड़ा जो है इस तरह से है। अब मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कपड़े को मैं रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए डबल फोल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इसके बाद आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे जो सीना है वो 36 इंच का है। तो 36 इंच पे मैंने यहाँ पे देखिए 9 इंच का है 36 इंच, और यहाँ पे मैं 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा लूँगी और यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा, मतलब 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो 2 इंच भी रख सकते हो और 1.5 इंच भी आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से 1.5 इंच रख लूँगी। ठीक है, इस तरह से आपको नाप लेना है और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप इसे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, इस तरह से स्केल रखना है यहाँ पे, इस तरह से ये मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींच लिया है। यहाँ से जो है लंबाई जो है मेरा यहाँ पे 13.5 इंच है। तो मैं यहाँ पे जो आगे का पार्ट में कटिंग कर रही हूँ, आगे के पार्ट्स को आप देखिए, पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप जो लंबाई है पूरा वो 13.5 इंच का है और ये मैं आगे का पार्ट जो है कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे 15.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। और हाँ, बहुत ही ध्यान से आप इसे देखिएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 15.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया और इसको मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींच लेती हूँ। इस तरह से मैंने स्ट्रेट लाइन खींचा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं क्या कर रही हूँ। ये जो है ये कपड़े को मैंने इस तरह से पकड़ा और ये जो लाइन मैंने बनाया था इसको इस तरह से पकड़ा और ये देखिए इस तरह से मैंने ऐसे कर लिया, इस तरह से फोल्ड फोल्ड किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह से फोल्ड किया है। ये जो आगे का मैंने निशान लगाया था वो देखिए आप, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको डबल फोल्ड किया है। एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ, इस देखिए इस तरह से मैंने इसे खोल लिया है। ये मेरा इस तरह से मैंने ये आगे के पार्ट को निशान लगाया है, कुछ नहीं किया है, बस लंबाई का निशान लगाया है। यहाँ पे जो है मैंने कुछ नहीं किया है, बस ये लंबाई जो है 13.5 इंच, यहाँ पे मैंने 15.5 इंच लिया है, बस इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। अब मैं इसको, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने खींचा है इसको बस यहाँ से, ये दोनों पॉइंट से लास्ट और फर्स्ट यहाँ से पकड़ के बस इसको इस तरह से कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये आगे के पार्ट्स हैं और ये पीछे के पार्ट्स हैं। इस तरह से मैं इसको, इस कपड़े को रखूँगी। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस तरह से मैंने कपड़े को उल्टा किया है। अब मैं पीछे का नाप लगा रही हूँ, पीछे की लंबाई मैं कितना लूँगी, 1 इंच कम लेना है, यानी कि मेरा यहाँ पे लंबाई जो है 13.5 इंच है, तो 1 इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, 14.5 इंच, 1 इंच कम यानी 15.5 इंच मैंने ये लिया था, ये 15.5 इंच का लिया और यहाँ पर 14.5 इंच का ही लेंगे। ये मेरा पीछे के पार्ट्स की कटिंग है। मैंने पहले ही कहा है जो पीछे के पार्ट्स रहेंगे उसमें 1 इंच बढ़ाना है और जो आगे के पार्ट्स है उसके अंदर 2 इंच बढ़ाना है। तो मैंने ये पीछे के पार्ट में 13.5 इंच की लंबाई थी, 14.5 इंच लिया और इसके अंदर मैंने कितना लिया है, 15.5 इंच इस कपड़े में, यानी 2 इंच किया है। और यहाँ पर इस तरह से मैं स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आगे की ये लंबाई है और ये पीछे की लंबाई है, तो मैंने लंबाई का निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले जो है यहाँ पे कंधे का निशान लगाना है। शोल्डर जो है 5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है इस तरह से। उसके बाद इसकी जो आर्म होल्ड है वो 5.5 इंच ले लेंगे हम। आप चाहो तो 5 इंच भी ले सकते हो, मैं 0.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी इस तरह से। उसके बाद जो है सीना यहाँ पे 36 इंच का है,
9 इंच यहाँ पे आएगा, तो 9 इंच पे मैंने इस तरह से यहाँ पे निशान लगा दी। और 1.5 इंच जो है मैं एक्स्ट्रा लूँगी फिटिंग की सिलाई के लिए, यहाँ पे ले लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सीने का जो है निशान लगा ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कमर का निशान लगाऊंगी, तो कमर का जो निशान है वो 28 इंच का है, तो 28 इंच यहाँ पे 7.5 इंच पे मैं निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। और जो है 1 इंच मैं यहाँ पे टक्स के लिए निशान लगाऊंगी, और 1.5 इंच जो है फिटिंग की जो सिलाई लेते हैं वो 1.5 इंच मैंने लिया है। उसके बाद मैं ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेती हूँ, और ये दोनों पॉइंट को मैं यहाँ पे इस तरह से मिला लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने एक बॉक्स तैयार किया है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ से मैंने यहाँ तक लंबाई जो है आगे और पीछे दोनों साथ में लगाया है, कंधा और ये सीना और ये कमर, बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। उसके बाद मैं ये जो है आर्म होल जो है उसका निशान लगा लेती हूँ, जो पीछे का है उसका मैं यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये पीछे का निशान है और ये आगे का 1.25 इंच पे निशान लगा लूंगी। जैसे आप गोलाई शेप देते हैं उसी तरह से देना है, और ये आगे के जो पार्ट्स है उसमें गोलाई शेप दे रही हूँ मैं। आपको यहाँ पे जो गला है उसका निशान लगाना है, तो गले का निशान यहाँ पे जो उसकी चौड़ाई है 2 इंच है, तो चौड़ाई मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया है, और इसकी जो लंबाई है यहाँ से 6.5 इंच ले लेती हूँ। 6 इंच की लंबाई है, 6.5 इंच लिया, और 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाने के बाद इसमें गोलाई शेप देंगे। इस तरह से मैंने गोलाई शेप दे दिया है। अब यहाँ पे जो है योग पट्टी बनाना है, तो योग पट्टी के लिए यहाँ पे जो है 3.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पे, और कमर साइड पे मुझे 3 इंच लेना है, 1/2 इंच कम करेंगे इस तरह से। यहाँ पे मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ, ऐसे सीधा लाइन खींचना है, और उसके बाद यहाँ से आपको हल्का हल्का गोलाई शेप देना है यहाँ से। तो इस तरह से मैंने योग पट्टी का निशान लगा दी हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जो कटोरी है यहाँ पे वो 5.5 इंच का है, तो यहाँ से मैं 5.5 इंच का निशान लगा लेती हूँ। 5.5 इंच यहाँ से लगाई, और सेंटर से भी मैं 5.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। यहाँ से आपको 1 इंच पे निशान लगाना है, इस तरह से 1 इंच पे निशान लगा ली। अब उसके बाद यहाँ से मैं एक गोलाई शेप दे देती हूँ, कटोरी का शेप यहाँ से देना है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कटोरी का शेप दे दी हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा ली हूँ, डायरेक्ट मैंने कपड़े पे निशान लगाई हूँ। आप देख सकते हैं ये पीछे का पार्ट्स है और ये आगे के पार्ट्स हैं। मैंने कटोरी का सिंगल कटोरी 36 इंच का मैंने बनाया है। तो यहाँ पे जो है इसकी कटिंग सबसे पहले मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं आगे और पीछे दोनों पार्ट्स एक साथ निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं ये आगे के पार्ट्स हैं और ये पीछे के पार्ट्स हैं, तो एक साथ दोनों में निकालूंगी, दोनों भी पार्ट्स एक साथ निकालूंगी आगे और पीछे के। तो मैं यहाँ पे आपको कटिंग बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैं पीछे का जो लंबाई का निशान लगाई थी उसकी कटिंग मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, जो मैंने आगे का निशान लगाई थी सीधा स्ट्रेट लाइन की थी उसको भी कटिंग यहाँ से कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद इसको मैं यहाँ से इस तरह से घुमा लेती हूँ और इसको इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। जो निशान लगाया है उसी निशान पे कटिंग करना है आपको। अब इसकी कटिंग आर्म होल्ड के हम लोग कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना हमको इस यहाँ से कटिंग करना है इस तरह से, और कोशिश करना है कि एक गोलाई अच्छे से शेप दे दें हम यहाँ पे।
तो ये देखिए, ये मैंने दोनों पार्ट्स को कटिंग किया है, ये देखिए आगे और पीछे दोनों पार्ट्स को। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से बीच से ये देख सकते हैं, यहाँ से दोनों पार्ट्स को मैं इस तरह से अलग कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं चाहिए तो कट का निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि ये निशान मैंने इसे लगाया है, पीछे मुझे गले का निशान लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कट का निशान लगाया है, जिससे गला छोटा बड़ा नहीं हो। इसलिए तो अब ये जो पार्ट्स है इसको मैं देखिए अलग कर लेती हूँ। यहाँ से मैं इसको गोलाई शेप दे देती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये गले की कटिंग की हूँ, और ये जो मैंने निशान लगाई हूँ इसकी भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये आगे की कटिंग हो गई। अब मैं ये योग पट्टी की कटिंग कर रही हूँ, तो योग पट्टी का भी जिस तरह से निशान लगाया है उसी के पे निशान पे आपको गोलाई शेप देते हुए कटिंग कर लेना है इस तरह से। और ये जो योग पट्टी है इसको मैं बीच से अलग कर लेती हूँ, ये देखिए। उसके बाद बचा ये कटोरी, तो कटोरी को भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये कटिंग कर ली हूँ, आगे के पार्ट्स हैं। अब मैं ये पीछे के गले की कटिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 इंच पे निशान लगाई थी, तो मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ जिससे आपको पता चलेगा। ये देखिए, तो यहाँ से आपकी जो लंबाई है गले की, वो लंबाई का निशान लगा लूँगी। तो निशान यहाँ से 9.5 इंच है, तो आधा इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है मैं 3.5 इंच ले रही हूँ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जो है स्केल की हेल्प से इसको इस तरह से मिला लूँगी। अब जो है यहाँ पे इस तरह से मैंने ये निशान लगाया है, तो यहाँ से जो है इसकी कटिंग मैं कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पीछे की भी कटिंग हो गई है। ये देखिए, ये आगे के पार्ट्स हैं, ये पीछे के पार्ट्स हैं, तो दोनों मैंने एक साथ कटिंग की है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको आस्तीन कटिंग करके बताती हूँ, तो फिर आस्तीन के लिए हम सबसे पहले कपड़े को रख लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने आस्तीन के लिए कपड़े को इस तरह से अरेंज किया है। ये देखिए, कपड़े को मैंने इस तरह से रखा है, ये 4 फोल्ड है, इस तरह से 4 फोल्ड यहाँ पे कर ली हूँ। अब आस्तीन की कटिंग जो है, आस्तीन की जो लंबाई है 3.5 इंच है, तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और इस तरह से यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगा ली हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सीधा लाइन खींच लिया है, और यहाँ से मैं 3 इंच पे निशान लगाती हूँ। इसको भी स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींच लेती हूँ इस तरह से। और उसके बाद जो ये है 3 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाई हूँ, और यहाँ से देख सकते हैं आप, ये 1 इंच और ये 2 इंच, और यहाँ से सीधा लेना है, थोड़ा सा सीधा लेंगे और करीब 1.5-2 इंच तक, और इसको देखिए इस तरह से शेप का निशान लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पे मैंने जो आर्म होल्ड है वो 5.5 इंच ली थी, तो 2.5 या 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे सॉरी 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद यहाँ पे फिटिंग जो है 6 इंच का है, और 1.5 इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लूँगी फिटिंग सिलाई के लिए, और इसको इस तरह से मिला लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने आस्तीन का निशान लगा ली हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ।
अब ये दोनों आगे के जो पार्ट्स है उसको पकड़ के मैं यहाँ से जो निशान लगाई हूँ उसकी जो गोलाई शेप है इस तरह से दे देती हूँ, और ये दोनों पार्ट को मैं इस तरह से कट का निशान लगाऊंगी, और ये यहाँ पे जो है बीच में कट का निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आस्तीन की कटिंग हो गई है। इसके बाद मुझे यहाँ पे कटोरी की कटिंग करना है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये जो कटोरी है आपका वो उसको यहाँ पे इस तरह से रखना है। अब कपड़े को किस तरह रखना है आप देख सकते हैं, ये देखिए स्ट्रिचेबल है, और ऐसे करेंगे तो ये खींच नहीं रहा है, लेकिन आप देखिए इस तरह से खींच रहे हैं तो ये बीच में निशान आ रहा है, मतलब ये स्ट्रिचेबल है, और यहाँ पे आप देखेंगे सीधा है, इस तरह से देखेंगे तो ये खींच नहीं रहा है अपनी तरफ, और ये देखिए खींच रहा है इस तरफ से। तो हमको यहाँ पे कटोरी जो है इस तरह से रखना है, ऐसे नहीं रखना है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कटोरी रखा है, अब इसको मैं यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेती हूँ, जैसा कटोरी का शेप है उसी कटोरी के शेप में निशान लगाना है। तो इस तरह से मैंने कटोरी का शेप जो है उसका निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ से 3 इंच ले लेती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि बोलते हैं कि कटोरी छोटी हो जाती है, तो यहाँ पे मैं 3 इंच ले लेती हूँ, जिसमें मैं टक्स का निशान लगा के दिखाऊंगी, और कटोरी छोटा होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा। यहाँ से मैंने 3 इंच ले लिया है, और ये बराबर आपको हल्का सा तिरछा लेना है, सीधा नहीं लेना है, इस तरह से सीधा नहीं, हल्का सा तिरछा लेना है। और उसके बाद ये दोनों पॉइंट को मैं इस तरह से मिला लूँगी, ऐसे। तो ये कटोरी का शेप दे दिया निशान, तो ये कटोरी जो है निशान मैंने लगा ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं रखूँगी, और ये यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये करीब 9 इंच का हो गया है, तो इसका सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर निकालने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो, 9 इंच पे निशान लगा हुआ है, 9 इंच पे इस तरह से रखना है, और यहाँ पे मैंने निशान लगा ली हूँ। तो इस तरह से मैंने ये दोनों का पॉइंट का सेंटर निकाल ली हूँ। उसके बाद यहाँ से मुझे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फिर ये निशान लगा दिया इस तरह से, और उसके बाद ये निशान लगा दी, ये निशान, और उसके बाद ये निशान इस तरह से लगा दी हूँ। तो ये देखिए कटोरी का निशान ये जो है लग गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए कटोरी का निशान लगा ली हूँ, अब मैं इसको इस पे रख लेती हूँ, ये दोनों पॉइंट को जो है ये दोनों इस तरह से मिलाऊंगी, ये देखिए, और आप देख सकते हैं ये एकदम बराबर में आ रहा है। हल्का सा जो है अगर कपड़ा आपको इधर उधर हो रहा है तो आप सीधा कर लीजिए, ये देखिए। तो इस तरह से कटोरी की भी मैंने कटिंग कर ली हूँ, अब मैं इसको कपड़े पे कटिंग करूँगी। ये मेरा अस्तर था, अब ये जो है इस, तो फिर ये कपड़ा है, ये कपड़े को मैं सबसे पहले अरेंज कर लेती हूँ। तो एक कपड़े को सबसे पहले मैं इसे फोल्ड करके इस तरह से ये मैंने रखा है। अब ये जो पीछे का कपड़ा है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से रख लेती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे टक्स का निशान नहीं लगाई हूँ, एक चीज़ तो हम भूल ही गए, मेन चीज़ तो ये टक्स का निशान भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है मैं 4 इंच पर टक्स का निशान लगा दूंगी, और यहाँ पे जो है कट का इस तरह से निशान लगा लेती हूँ।
ठीक है। तो इस तरह से ये कट का निशान लग गया है, अब मैं इसको इस तरह से रख लेती हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी मैं। तो हम देख सकते हैं ये पीछे के पैंट्स जो है कटिंग हो गए हैं। ये देख सकते हैं ये जो आगे के पार्ट्स हैं उसको मैं इस तरह से रख के और उसके बाद इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये मैंने जो है कपड़े की भी कटिंग कर ली हूँ यहाँ पे। तो ये जो आगे के पार्ट्स हैं, कटोरी है, साइड पट्टी है और ये योग पट्टी है, तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब बचा आस्तीन, आस्तीन की भी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो लेस है काफ़ी टेढ़ा है, देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे लेस को काट के निकाल लूँगी, उसके बाद आस्तीन कटिंग करूँगी। बस आप देख सकते हैं इसको मैंने इसमें से अलग कर दिया है, ये काफ़ी टेढ़ा था और थोड़ा सा मैंने ये कपड़े को आधा इंच जो है इस तरह से छोड़ दिया है, जिससे मैं सिलने में प्रॉब्लम ना हो, जब मैं सिलूं तो इस तरह से फोल्ड करके सिल सकती हूँ। तो आस्तीन की कटिंग भी मैं करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आस्तीन को कटिंग करने के लिए यहाँ पे फोर फोल्ड करके हम इस तरह से कपड़े को रख लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को रखने के बाद ये जो आस्तीन हमने कटिंग की है इस पे रख के हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बंद करके रखना है क्योंकि हमने फोर फोल्ड किया हुआ है इसलिए। तो इस तरह से मैंने ये आस्तीन की कटिंग कर ली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, और पसंद ना आए तो फिर आप छोड़ सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।